हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मिनी सेठी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट किंक डिमांड कर रहा है। बहुत इजी और बहुत सिंपल डिमांड कर रहा है ये ओलिगोपॉली मार्केट, क्या ही मॉडल है ये। ठीक है, अब किंक डिमांड करके सबसे पहले हम अजम्पशन समझेंगे। अगर आपने अजम्पशन को ध्यान से समझ लिया तो आपका पूरा मॉडल तो यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो अजम्पशन क्या है? फर्म सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट सेटिस्फैक्ट्री प्राइस। ठीक है, पहली जंक्शन क्या है? फर्म सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट सेटिस्फैक्ट्री प्राइस। सेकंड, इफ वन फर्म इंक्रीज प्राइस, अदर्स विल नोट फॉलो। ठीक है, अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ा देती है तो दूसरी फर्म उसको फॉलो नहीं करती। ये बात ध्यान में रखना, अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ा देती है तो दूसरी फर्म प्राइस को फॉलो नहीं करती। इसलिए इस मार्केट में क्या होती है, प्राइस रिजिडिटी होती है। एक फर्म अगर प्राइस को बढ़ा देती है तो दूसरी फर्म प्राइस उसे उसके प्राइस को फॉलो नहीं करती है। उसके बाद इफ वन फर्म रिड्यूस प्राइस, अदर आल्सो रिड्यूस। अगर एक फर्म प्राइस को कम कर देती है तो दूसरी भी प्राइस को कम कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना, अगर वो बढ़ाती है तो दूसरी उसको फॉलो नहीं करती, लेकिन अगर वो कम करती है तो दूसरी भी कम कर देती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक फर्म अगर प्राइस को बढ़ाती है तो दूसरी उसको नहीं बढ़ाती, अगर एक फर्म प्राइस को कम कर देती है तो दूसरी सारी फर्म उसको कम कर देती है। इसीलिए इस मार्केट में कहती है प्राइस रिजिडिटी। यही कारण है कि ये जो डिमांड कर रहा है किंग शेप में बनता है। कैसे बनता है देखो, यहाँ पे देखो ये प्राइस, ये आउट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इस शेप के, अब क्यों है मैं बताती हूँ। मेरे कहा था ना, अजम्पशन को ध्यान से समझो, सारा क्लियर हो जाएगा। अब पहली अजम्पशन क्या है, सभी फर्म में ए बी सी डी, ये फोर फर्म है मान लो, सभी फर्म में अपना प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री प्राइस पे बेचती है। वो सेटिस्फैक्ट्री प्राइस क्या, ओपी है। ओपी पे ये फर्म में अपना प्रोडक्ट बेच रही है। ठीक है, ओपी प्राइस पे ये फर्म में अपना प्रोडक्ट बेच रही है। अब बी क्या बनती है, अपनी जान में ओवर स्मार्ट बनती है, अपने आप को इतना चालाक समझती है। बी क्या करती है, प्राइस को बढ़ा देती है, प्राइस को बढ़ाती है, सोचती है प्राइस बढ़ाने से मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, बी फर्म क्या कर देती है, थोड़ा सा अपने प्राइस को बढ़ा देती है। जैसे इसने क्या करा, अपने प्राइस को बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, देखो मार्केट डिमांड ज्यादा गिरती, प्राइस तो इतना का बढ़ाया लेकिन उसके कंपेयर डिमांड ज्यादा गिरी। प्राइस तो सिर्फ 5% बढ़ाया लेकिन जो डिमांड थी वो 20% या 30% ज्यादा गिर गई। ओके, तो यही कारण है प्राइस के कंपेयरटिव अगर आपकी डिमांड ज्यादा गिरती है या बढ़ती है, गिरती है या बढ़ती है, सिंपल है। प्राइस के कंपेयरटिव अगर आपकी डिमांड में ज्यादा चेंज आते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। तो इसका ये वाला पार्ट क्या हो गया, इलास्टिक हो गया, क्योंकि प्राइस तो 5% बढ़ाया लेकिन उसके कंपेरेटिव डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ गई। तो किंग डिमांड कर का ये वाला पार्ट क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। ठीक है, अब ये बी क्या सोचती है, प्राइस को बढ़ाना तो मेरे फायदे में नहीं रहा, प्राइस को तो मेरे 5% बढ़ाया, डिमांड तो 20% कम हो गई है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये सोचती है क्यों ना प्राइस को कम कर दिया जाए। ये क्या करती है, सोचती है कि प्राइस को कम करके अब तो सारा मार्केट शेयर ही मैं ले लूंगी। अब जैसे ही वो प्राइस को कम करती है, प्राइस को उसने कम तो बहुत ज्यादा किया, देखो प्राइस को कम तो देखो ये पार्ट कितना ज्यादा, प्राइस को कम तो उसने 50% कर दिया लेकिन डिमांड में सिर्फ 5% ही बढ़ोतरी हुई, वो भी जो कस्टमर्स के लोअल थे। ठीक है, कस्टमर्स के इसके काफी लॉयल थे, इसको काफी मानते थे। ठीक है, या कस्टमर अवेयर नहीं थे प्राइस में, व्हाट एवर द रीजन, इसने क्या करा 50% प्राइस को कम करा लेकिन उसके कंपेरेटिव डिमांड क्या है, 5% ही बढ़ी। जब प्राइस के कंपेरेटिव आपकी डिमांड में कम चेंज होते हैं, बढ़ाओ या कम करो, जब प्राइस के कंपेरेटिव डिमांड में कम चेंज होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक डिमांड। यही कारण है कि जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो इनइलास्टिक है और ऊपर वाला इलास्टिक है। ऊपर वाला इलास्टिक क्यों है, क्योंकि प्राइस तो उसने क्या करा, कितना करा, थोड़ा सा ही बढ़ाया लेकिन उसके कंपेरेटिव डिमांड ज्यादा चेंज होगी। प्राइस थोड़ा सा बढ़ाने से डिमांड अगर ज्यादा चेंज होती है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इसलिए इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो इलास्टिक है, नीचे वाला इनइलास्टिक है। क्यों इनइलास्टिक है, क्योंकि इसने प्राइस ज्यादा कम किया, उसने प्राइस 50% कम कर दिया लेकिन उसके कंपेरेटिव डिमांड सिर्फ 5% ही बढ़ी। या प्राइस के कंपेरेटिव डिमांड क्या, इनइलास्टिक है, प्राइस के कंपेरेटिव डिमांड कम चेंज हो रही है, इसलिए इसका नीचे वाला पार्ट क्या, इनइलास्टिक है। ये वाला पार्ट ए बी पार्ट इलास्टिक है, बीसी पार्ट क्या, इनइलास्टिक है। ठीक है, यहां तक तो समझ में।
फिर हम इसी को ही आगे लेके चलते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसमें क्या बताया जाता है कि ये आपका एआर हो गया, ठीक है। एआर आपको पता है किंक शेप में क्यों बना है, क्योंकि आपका डिमांड कर ऊपर से इलास्टिक और नीचे से क्या इनइलास्टिक है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्राइस हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका एमआर कर्व भी बनेगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या बन रहा है, एमआर भी बन रहा है, ठीक है। ये एमआर इस तरह से क्यों बना है, वो किंग इसके किंग शेप के कारण आपका एमआर भी ऐसे बना है। और इसमें जो गैप आया वो गैप किस बात पे, जो लेंथ ऑफ गैप है वो किस बात पे डिपेंड करता है, आपका इलास्टिक और इन इलास्टिक का कितना गैप है। ये वाला पार्ट क्या है, इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक और ये वाला पार्ट क्या, इन इलास्टिक है। इलास्टिक और इन इलास्टिक में जो आपका डिफरेंस होगा वो उसी पे ये बात डिपेंड करेगी कि आपका एमआर में कितना गैप आएगा, ठीक है। और आपको पता है इसकी शेप, इस तरह की शेप क्यों बनी है एमआर की, किंक्ड शेप के कारण, जो आपके एआर की शेप है उसी के कारण एमआर की इस तरह की शेप बनी है। अब हम बात करेंगे एमसी, ठीक है। वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन, एमआर इज इक्वल टू एमसी, और जो एमसी एमआर को नीचे से काट हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए इसकी एमसी बढ़ जाती है, अगर एमसी क्या हो गई, ए बी, ठीक है। अब एमसी क्या आपकी बढ़ गई है, एमसी एमसी वन पे चलेगी। एमसी बढ़ने पे देखो, इफ एमसी राइज, अगर आपकी एमसी बढ़ रही है तो आपका प्राइस भी कॉन्स्टेंट रहेगा और आपका आउटपुट भी कॉन्स्टेंट रहेगा। वो क्या कह रहा है, कॉस्ट बढ़ने से अगर ए बी के ये जो एरिया है इसमें अगर आपकी एमसी कितनी भी बढ़ जाए, यहाँ से एमसी क्या हो गया, एमसी वन पे चली गई, लेकिन एमसी बढ़ने पे जो आपका प्राइस और आउटपुट है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इस तरह से आपकी मान लो एमसी कम हो जाती है, ठीक है। अब एमसी कम होने पर भी आपका प्राइस और आउटपुट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। सिंपल सी ये बात है, ये क्या आएगा, किंग डिमांड इस शेप में आएगा, क्योंकि ऊपर से इलास्टिक है नीचे से इनइलास्टिक है। और एक और ये बात क्या बताता है, अगर आपकी कॉस्ट एमसी अगर बढ़ भी जाती है फिर भी आपका प्राइस और आउटपुट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर आपकी एमसी कम भी हो जाती है फिर भी आपका प्राइस और आउटपुट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। ये था आपका किंग डिमांड कर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।